केतन मेहता ने साल 1984 में मूवी होली से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, आशुतोष गोवारिकर और दीप्ति नवल शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई मिर्च मसाला। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओम पुरी, सुरेश ओबेराय और दीप्ति नवल शामिल थे। ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1989 में आई मूवी हीरो हीरालाल। इस मूवी के डायरेक्टर केतन मेहता और वी मैनन थे। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, संजना कपूर, दीपा साही और किरण कुमार शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1993 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई माया मेम साहब। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपा साही, फारूक शेख, राज बब्बर, परेश रावल और शाहरुख खान ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक मिस्ट्री रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1993 में ही इनकी मूवी आई सरदार। इस मूवी के लीड कास्ट में परेश रावल, अनु कपूर, बेंजामिन गिलानी, टॉम अल्टर और दीपिका अमीन शामिल थे। ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में इनकी अगली मूवी आई और डार्लिंग ये है इंडिया। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, दीपा साही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर और अमरीश पुरी शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,78,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,73,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1997 में इनकी मूवी आई आर्या पार। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, दीपा साही, परेश रावल और रितु शिवपुरी शामिल थे। ये एक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,45,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,51,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2005 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई मंगल पांडे द राइजिंग। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल, किरण खेर और टॉबी स्टीफन शामिल थे। ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 37,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 27,86,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 51,35,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2014 में इनकी मूवी आई रंगरसिया। इस मूवी के लीड कास्ट में रणदीप हुडा, नंदना सेन, परेश रावल और आशीष विद्यार्थी शामिल थे। ये एक बायोग्राफी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 12,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,76,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,37,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2015 में इनकी मूवी आई माझी द माउंटेन मैन। इस मूवी के लीड कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, पंकज बैरी और गुलशन पांडे शामिल थे। ये एक बायोग्राफी एडवेंचर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13,53,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 17,24,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको केतन मेहता की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। केतन मेहता की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।